फर्टिलाइजर के स्टोर या उसके होलसेल के व्यवसाय किसानों से जुड़ा हुआ कारोबार है, इसलिए इसे गांव या फिर छोटे कस्बों में शुरू किया जा सकता है। आप चाहें तो इसे अपने एरिया या शहर में कर सकते हैं। अपना खुद का बिजनेस खोलना आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है और नौकरी के आसार कम होने के कारण कई लोग बिजनेस फील्ड में घुस भी रहे हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि लोग अपने व्यवसाय में अच्छा खासा पैसा लगा देते हैं और बिजनेस खोल भी देते हैं, लेकिन ठीक से उस काम को ना करने के चलते उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। तो चलिए आज इस वीडियो के जरिए में हम आपको बताएंगे कि खाद के होलसेल का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बिजनेस आइडिया पर काम करें। अगर आप खाद का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप इस काम को कहां करेंगे, यानी आपका स्टोर कहां होगा और कहां से आप अपने प्रोडक्ट को लाएंगे और उसे किस एरिया में बेचेंगे। अब खाद का काम किसानी और खेती बाड़ी से जुड़ा है, तो इसलिए आपको ऐसे एरिया में अपना स्टोर खोलना चाहिए जहाँ से आपका सामान आसानी से अपने ग्राहकों तक पहुँच सके। आपको यहाँ पर अपने बजट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करें, अर्थात खाद के व्यापार और उससे रिलेटेड पूरी जानकारी हासिल करें। कैसे शुरू करें अपना खाद का बिजनेस? वैसे तो खाद का बिजनेस शुरू करना काफी आसान काम है, लेकिन इसमें हर किसी को जो सबसे बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है वो है इसके लाइसेंस की, क्योंकि खाद का भंडार और इसका वितरण सरकार की देखरेख में ही किया जाता है। इसलिए इसके लाइसेंस को देने के लिए हर देश की सरकार कई नियम और शर्तें रखती है। सब कुछ तय करने के लिए आपसे कई तरह के दस्तावेज जमा करने को भी कहा जाता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि अक्सर जब कोई इंसान इस तरह का कारोबार शुरू करने की सोचता है तो उसे पहले यही जान लेना चाहिए कि उसे खाद सप्लाई करने का लाइसेंस कैसे मिलेगा। हालांकि आज के समय में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर अपनी रणनीतियों के तहत गांव के इलाकों में किसानों को सरपंच या ग्राम प्रधान के माध्यम से ही मुफ्त में खाद का वितरण करा रही है, लेकिन इस तरह की प्रणाली में खाद उन किसानों तक पहुंचने के लिए फर्टिलाइजर स्टोर का ही इस्तेमाल किया जाता है। खाद बिजनेस के लिए मार्केट रिसर्च। देखा जाए तो फर्टिलाइजर स्टोर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो लंबे समय तक चलने वाला काम है। अब क्योंकि हर दिन दुनिया में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में उनको खाने की भी जरूरत पड़ती है और खाने के लिए खेत और सही खेती के लिए खाद का इस्तेमाल हमेशा से ही किया गया है। चूंकि खाद का इस्तेमाल प्रति हेक्टेयर जमीन में कृषि उत्पादों की क्वालिटी और मात्रा में सुधार के लिए किया जाता है, इसके अलावा खाद का इस्तेमाल कई इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी किया जा रहा है। ये काम इसलिए भी लाभकारी है क्योंकि एक समूचे एरिया में सरकार किसी एक इंसान या बिजनेसमैन को ही इस काम का लाइसेंस देती है और उस एरिया में जितने भी किसान या फिर खाद का इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं वो लाइसेंस प्राप्त व्यापारी से ही खाद को खरीदते हैं। अगर आपको अपने एरिया में खाद बांटने का लाइसेंस मिल जाता है तो आप भी अपने एरिया में अपना स्टोर कहीं ऐसी जगह खोल सकते हैं जहां किसानों को आपके पास आने जाने में ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। खाद स्टोर के लिए दुकान का चुनाव। खाद का स्टोर शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह अपने नजदीकी बाजार या फिर मेन रोड के पास हो सकती है। अगर आपके पास किसी सड़क के किनारे या पास के मार्केट में अपनी दुकान है तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप किराए में अपनी दुकान ले सकते हैं। दुकान का रेंट आपके मार्केट और एरिया की वैल्यू के हिसाब से तय होगा, इसलिए आप इसके अनुकूल अपनी दुकान का चयन कर सकते हैं। आप जहां भी अपनी दुकान खोलेंगे वहां ध्यान रखें कि छोटे बड़े वाहन आपकी दुकान में आसानी से आ जा सकें, क्योंकि खाद की डिलीवरी या सप्लाई के लिए ट्रक या कोई बड़ा वाहन भी आपकी दुकान के सामने आ सकता है। इसके साथ ही सबसे जरूरी काम है कि अपनी दुकान का रेंट एग्रीमेंट या अगर आप लीज में दुकान ले रहे हैं तो लीज एग्रीमेंट जरूर कराएं। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कैसे करें? आप ऑनरशिप के तौर पर खाद के स्टोर को आसानी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन कृषि से रिलेटेड इस तरह के किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए अलग अलग तरह के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। कई राज्यों में किसानी से संबंधित उत्पादों का बिजनेस करने के लिए राज्य के कृषि विभाग से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन कई राज्य की सरकार इस तरह का लाइसेंस देने के लिए स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगरपालिका, नगर निगम या फिर नगर पंचायत इत्यादि को जिम्मेदारी सौंपती है। खाद का मार्केटिंग लाइसेंस या फिर सप्लाई लेने के लिए आपके पास इस तरह का ट्रेड लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। इसे भी आप स्थानीय प्राधिकरण से हासिल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको खाद कंट्रोल बोर्ड की तरफ से निर्धारित और निर्देशित नियम कानून को फॉलो करना होगा। कैसे काम करता है खाद स्टोर का बिजनेस? इस तरह का बिजनेस अक्सर सरकार के नियंत्रण में ही रहता है, इसलिए हो सकता है कि खाद सप्लाई का लाइसेंस लेने के बाद सरकार की तरफ से आपकी दुकान पर खुद ही सप्लायर भेजा जाए। कहने का मतलब यह है कि खाद स्टोर शुरू करने वाले हर इंसान की जानकारी सरकारी विभाग के पास हमेशा ही मौजूद रहती है और खाद सप्लाई में सरकार का काफी अहम योगदान रहता है ताकि किसानों को समय पर और सस्ते दामों पर खाद मिल सके। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपका स्टोर ऐसी जगह में हो जहां कोई लीकेज या फिर पानी ना टपकता हो। आपको अपना
खाद का भंडार एकदम सूखी जगह पर रखना होगा और फर्श को नमी प्रूफ बनाने की जरूरत होती है ताकि स्टोर के फर्श पर किसी भी मौसम, सीजन या समय कोई नमी पैदा ना हो, वरना इससे आपका सामान खराब हो जाएगा। अपने बिजनेस की मार्केटिंग पर ध्यान दें। किसानों को अपने एरिया में कम से कम एक ही खाद का स्टोर मिलता है, जिससे अगर आपके पास स्टोर का लाइसेंस है तो जरूरतमंद को आपके ही पास आना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपको अपने टारगेट कस्टमर के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। आप इसके लिए बगीचे का प्रोडक्ट रखने वाले स्टोर या दुकान, किसान, कोई नर्सरी या कृषि समितियों आदि से संपर्क करके अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसलिए आपको इनके बीच अपने व्यवसाय की मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ती है, जिससे आपको इस काम में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।